हेलो एवरीवन, इजी इंजीनियरिंग क्लासेस में कंपाइलर डिजाइन के लेक्चर्स को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम हैंडल प्रूनिंग देखेंगे। पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि बॉटम अप पार्सिंग या शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग क्या होती है, एक इंट्रोडक्शन देखी थी, उसके बाद हमने देखे थे हैंडल्स क्या होते हैं और आज के लेक्चर में हम दोनों कॉन्सेप्ट को कम्बाइन करते हुए प्रूनिंग द हैंडल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, प्रूनिंग द हैंडल का मतलब होता है रिमूविंग द हैंडल। अब प्रून मतलब रिमूव, सो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसका एक सब स्ट्रिंग प्रोडक्शन की लेफ्ट राइट हैंड साइड फॉर्म कर रहा है, तो उस सब स्ट्रिंग को जब हम रिमूव करते हैं और उसकी जगह उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉन टर्मिनल सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम प्रून करेंगे उस पर्टिकुलर हैंडल को। दिस इज नथिंग बट व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर आल्सो, लेकिन बस टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको डिफाइन कर रही हूं मैं कि हैंडल प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो काम हमने पिछले लेक्चर में भी वही किया था कि हैंडल्स को आइडेंटिफाई करके लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल को रिप्लेस किया था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के नॉन टर्मिनल से रिप्लेस किया था, लेकिन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हैंडल प्रूनिंग। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर थ्योरी एग्जाम्स, अगर आपके एग्जाम में ये लिखने को या समझाने को आता है कि हैंडल प्रूनिंग या प्रूनिंग द हैंडल क्या होता है, तो उसमें आप लिखेंगे कि अगर कोई भी सब स्ट्रिंग ऑफ एन इनपुट स्ट्रिंग राइट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन को मैच करता है तो जब हम उस सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट प्रोडक्शन से, उसे हम प्रूनिंग द हैंडल कहते हैं। सच दैट डूइंग दिस प्रोसीजर रिजल्ट्स इन राइट मोस्ट डेरिवेशन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, सो अ राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स कैन बी ऑब्टेन बाय हैंडल प्रूनिंग। ऑलराइट, अब इसके मेजर स्टेप्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था। एक फाइनल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम हैंडल प्रूनिंग और हैंडल्स के टॉपिक को वाइंड अप कर सके। तो ये डेफिनेशन या फिर ये ग्रामर मैंने पहले भी कंसिडर करी हुई है। इट इज अ बेसिक ग्रामर कंसिस्टिंग ऑफ थ्री प्रोडक्शंस सेइंग ई डिराइव्स ई प्लस ई और ई स्टार ई और आईडी। ठीक है, ये ग्रामर से हम एक स्ट्रिंग को अपने स्टार्ट सिंबल तक लाने की कोशिश करेंगे इस ग्रामर को यूज करते हुए। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रिंग आईडी वन प्लस आईडी टू प्लस मल्टीप्लाइड बाय आईडी थ्री है। इसमें फर्स्ट केस में हैंडल क्या होगा, आईडी वन, क्योंकि जब हमने लेफ्ट टू राइट स्कैन किया हमें एक ऐसा सिंबल मिला जो कि राइट हैंड साइड फॉर्म कर रहा है एक प्रोडक्शन की। ठीक है, और कौन सी प्रोडक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ई डिराइव्स आईडी। सी आईडी वन आईडी टू आईडी थ्री सब आईडी ही है, बस आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उन्हें सब्सक्रिप्ट असाइन करी है। तो इसके बाद रिप्लेस करने के बाद और हैंडल को प्रून करने के बाद हमारे पास क्या राइट सेंटेंशियल फॉर्म बचता है, ई प्लस आईडी टू मल्टीप्लाइड बाय आईडी थ्री। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा हैंडल है जिसे हम प्रून कर सकते हैं, आईडी टू, क्योंकि प्लस या प्लस आईडी टू तो खुद में कोई हैंडल नहीं है, इसलिए आईडी टू विल बी प्रूनड या रिड्यूस्ड नेक्स्ट यूजिंग द सेम प्रोडक्शन ई डिराइव्स आईडी। ठीक है, ऐसे ही हमने इस स्ट्रिंग को डिराइव कर लिया ई प्लस ई स्टार आईडी थ्री, और इस केस में सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आईडी थ्री अब हमारा हैंडल बनेगा और जो रिड्यूसिंग प्रोडक्शन होगी वो अगेन ई डिराइव्स आईडी होगी। तो तीन रिडक्शंस के बाद, तीन हैंडल प्रूनिंग के बाद हमारे पास जो इंटरमीडिएट स्ट्रिंग आता है वो कुछ ऐसा दिखता है। ऑलराइट, अब इस केस में हमारे पास हैंडल क्या बनेगा, ई प्लस ई, बिकॉज इट इज अ वैलिड राइट हैंड साइड ऑफ सम प्रोडक्शन। कौन सी प्रोडक्शन, ई डिराइव्स ई प्लस ई, और यहां पे हैंडल क्या हो गया, ई प्लस ई। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास क्या इंटरमीडिएट स्ट्रिंग रिजल्ट होता है, मतलब क्या आउटपुट होता है आफ्टर दिस हैंडल प्रूनिंग, ई स्टार ई। ऑलराइट, इस केस में ये कंप्लीट स्ट्रिंग फिर से
एक हैंडल बनेगा ई स्टार ई, और प्रोडक्शन कौन सी यूज कर रहे हैं हम, ई डिराइव्स ई स्टार ई, ठीक है। ये प्रोडक्शन यूज करने के बाद हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल आ जाएगा एंड हेयर इज द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो ये हमने एक एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स में भी देखा था। अब हैंडल प्रूनिंग के कॉन्सेप्ट में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट ही फॉलो हो रहा है, लेकिन अब टर्मिनोलॉजी आपको स्पेसिफिक मैंने बताई है। तो बेसिक स्टेप्स जो आप फॉलो करेंगे हैंडल प्रूनिंग में वो क्या होगा, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है वो इनपुट स्ट्रिंग या स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स जिसे आपको पार्स करके प्रून करना है। तो इनपुट स्ट्रिंग जो आपका होगा जिसमें ओनली टर्मिनल्स हैं, जैसे हमारे केस में ये था आईडी वन प्लस आईडी टू मल्टीप्लाइड बाय आईडी थ्री, वो आपका इनपुट स्ट्रिंग बनेगा विच इज W, जो हम W से डिनोट कर रहे हैं। अब W को अगर आप गामा N की तरह ट्रीट करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कुछ ऐसी डेरिवेशन थी, सपोज S derives गामा नॉट विच derives गामा वन विच derives गामा टू एंड सो ऑन, इट कॉन्टिन्यूज टिल गामा एन माइनस वन, इसका मतलब मैं आपको अभी सब एक्सप्लेन करूंगी, एन गामा एन। तो अगर आपने डेरिवेशन शुरू करी स्टार्टिंग सिंबल एस के साथ और आपके डिफरेंट राइट सेंटेंशियल फॉर्म है गामा नॉट गामा वन गामा टू एंड सो ऑन टिल गामा एन, तो ये सारे राइट डेरिवेशन यूज राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हुए अचीव हुए हैं सेंटेंशियल फॉर्म्स, तो इसलिए ये राइट सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं, या आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो अगर ये गामा नॉट गामा वन गामा टू ये सारे ही आपके राइट सेंटेंशियल फॉर्म हैं, तो आपको हैंडल प्रूनिंग में क्या करना है, गामा एन से स्टार्ट करना है जो इनिशियली आपका इनपुट स्ट्रिंग होगा यानी सेट ऑफ टर्मिनल्स होगा, और इस इनपुट स्ट्रिंग में आपको कोई ऐसी प्रोडक्शन यूज करनी है ए डिराइव्स बीटा एन सच दैट आप डब्ल्यू में बीटा एन को रिप्लेस कर पाओ और फाइनली डिराइव कर पाओ प्रीवियस राइट सेंटेंशियल फॉर्म। इसके बाद आपको इस सेंटेंशियल फॉर्म में से इस राइट सेंटेंशियल फॉर्म में से कोई ऐसा सबस्ट्रिंग ढूंढना है अगेन ऑफ द फॉर्म ए डिराइव्स बीटा एन, मतलब कोई भी ऐसी सबस्ट्रिंग ढूंढना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्रोडक्शन हो, वो सबस्ट्रिंग किसी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंटेड हो, तो उस केस में उस सबस्ट्रिंग को आप लेफ्ट हैंड साइड वाले नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करेंगे और प्रीवियस राइट सेंटेंशियल फॉर्म डिराइव करेंगे। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था और आज इस एग्जाम्पल के थ्रू भी इलैबोरेट करा है। सो आई होप आपको अब हैंडल प्रूनिंग बॉटम अप पार्सिंग और डेरिवेशन ऑफ द स्टार्ट सिंबल फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, हैंडल प्रूनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे कि बॉटम अप पार्सिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक यूज करके। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल फॉर मोर लेक्चर्स ऑन कंपाइलर डिजाइन एज वेल एज अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, बिकॉज योर फीडबैक इज रियली वैल्यूएबल टू अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।